अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, अरे तो मैं हूँ शहजेब अब्बासी और आप देख रहे हैं शहजेब अब्बासी व्लॉग। जी दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं, मैं और सुल्तान जा रहे हैं, पैदल सफ़र कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आज का मौसम देखें, सूरत हाल आपके सामने है। और आज उठे हैं, अभी नाश्ता वाश्ता किया है और अभी जा रहे हैं दोनों, बाबा के साथ जा रहे हैं सुल्तान। सुल्तान आज हम लोग जा रहे हैं अपनी जो ज़मीनें हैं वहाँ पे, हम लोगों ने फसल काश्त की थी, तो फसल काश्त की थी और आज मकई जो है ना, काफ़ी बारिश हुई है मौसम में देख लें, तो बारिश की वजह से जो है ना फसलों पे जाएंगे, जाके ज़मीनों पे देखेंगे कि माशाल्लाह आज जो है ना फसलों की क्या पोजीशन है। तो ये देखें सीन आपके सामने, मौसम माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इस तरफ बादल हैं और ये आसमान की तरफ आप देख लें, सूरज आपको नज़र आ रहा होगा कि आज बिल्कुल जो है ना वो बादलों में गिरा हुआ है। तो जाएंगे जी ज़मीनों की तरफ, हम लोगों ने मकई की फसल जो काश की थी आज वो भी जाके अपने जो खेतों में देखेंगे, और बाकी जो है ना फिर आप हमारे साथ जुड़े रहो, इंशाल्लाह आगे चलते हैं और देखते विज़िट करते हैं अपनी ज़मीनों का। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी ज़मीनों पर, तो ज़मीनों का सीन भी आ जाए, हम आपको चेक कराएंगे कि ये वही जगह है जहाँ पे हम लोगों ने फसल काट की थी। तो सुल्तान को ज़मीन पे छोड़ नहीं सकते क्योंकि जो है ना ये वो ये जो ज़मीन है वही बहुत कच्ची हो गई है। अब मैं तो चल सकता हूँ यहाँ पे, मगर सुल्तान यहाँ पे चल नहीं सकता है, गारा है मट्टी, जब पाँव रखते हैं तो मतलब बंदा फंस जाता है। तो खैर सुल्तान के कपड़े वगैरह भी गंदे हो जाएंगे, इस वजह से मैंने इसे अपने गोद में उठाया हुआ है। माशाल्लाह फसल ज़बरदस्त है और ये जो है आप देख लें सीन, तो सुल्तान भी मेरे साथ है, इस वजह से मैंने बोला चलो आज भी विज़िट भी करके आते हैं और अपनी तरफ ज़मीनों पे देख के भी आते हैं। ये हम लोगों ने थोड़ा मतलब कि जो है ना लोबिया काश की थी, तो माशाल्लाह लोबिया भी के भी अभी पौधे जो निकल चुके हैं, और उसके साथ साथ में मकई के भी बीज काफ़ी काफ़ी तादाद में जो है ना पौधे निकल चुके हैं। और आप देख लें मौसम की सूरत हाल भी ज़मीनों में माशाल्लाह जो है ना, ये आज बारिश काफ़ी हुई है, तो बारिश की वजह से जो है ना तो आज सीन कुछ ऐसे ही। तो और यहाँ पे मेरे ख्याल में खाला बन गया था, पानी जम हो गया था, और अभी जो है ना बिल्कुल भी यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता बंदा, क्योंकि बारिश अभी ताज़ी ताज़ी हुई है, तो बारिश की वजह से सारा ज़मीन बहुत 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 ज़्यादा ज़मीन गीली है। और हाँ, और मैंने बोला चलो दोस्तों को एक चीज़ दिखा लेते हैं, ये देखें ये जो है ना ये लोबिया काश की थी, और ये लोबिया के बीज इनके साथ कोई कोई किसी किसी के साथ ये फूल भी आ चुके हैं, और माशाल्लाह आज जो है ना काफ़ी दिनों के बाद चक्कर लगाए अपनी ज़मीनों की तरफ, तो माशाल्लाह जो है ना जो है ना काफ़ी बड़े बड़े पौधे हो चुके हैं। सुल्तान नहीं नहीं तोड़ने, ख़राब हो जाएंगे फिर बाद में जो है ना बड़े नहीं होंगे। तो अभी चलते हैं ऊपर दूसरी तरफ, दूसरी भी ज़मीनें हैं, और सुल्तान को भी अभी उठाते हैं क्योंकि ज़मीन पर रखना ये खुद चल तो नहीं सकता है, ये छोटा बच्चा है तो ये नहीं चल सकता। तो अभी चलते हैं देखें, माशाल्लाह जो है ना ग्रीनरी है हर तरफ, तो आगे भी आपको सीन चेक कराएंगे। जो है ना घास है बहुत ज़्यादा, बड़ा बड़ा घास हो चुका है उधर देखें ज़मीनों के किधर। अभी यहाँ से आगे भी चलते हैं, चलो विज़िट करके आते हैं आगे क्या पोजीशन है। तो यार आगे तो बिल्कुल जाना मुश्किल हो गया है क्योंकि गारा बहुत ज़्यादा हो गया है, और जो है ना आगे बिल्कुल पानी की वजह से खाला सारा जमीन कर वो भर गए थे खाले पानी की वजह से, तो अभी यहाँ पे भी गारा इतना ज़्यादा है कि मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, और साथ में एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ में सुल्तान है, तो मुश्किल है। यहाँ से ऐसा करते हैं निकलते हैं वापसी, किसी सेफ जगह पर चल के खड़े होते फिर वापसी आप आगे वीडियो शूट करते हैं। तो ओहो बिल्कुल पाँव जो है ना वो सारे गारे से भर चुके हैं, अभी मेरे बिल्कुल जो है ना जूते में इतना ज़्यादा गारा लग चुका है, यहाँ पे मुझे क्या मालूम था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा
मतलब कि जो चिकड़ कीचड़ होगा, कीचड़ की वजह से मेरे पाँव सारे ख़राब हो जाएंगे। बस अभी बड़ी मुश्किल से यहाँ से गारे से बाहर निकले, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था कि असल में बात यह है कि मैं इतना मतलब कि ज़्यादा गांव में ज़िम्मेदारी में मैं नहीं होता हूँ ना, ज़िम्मेदारी मुझे इतना ज़्यादा करनी नहीं आती है, जिसकी वजह से जो है ना फिर मुझे इतना आइडिया नहीं था कि बारिश की वजह से इतना गारा होगा। तो खैर फिर भी मैंने यहाँ से अपने आप को जो है ना बचा लिया है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे सरवाइव किया है। तो खैर अभी यहाँ पे हम लोग बाहर निकल चुके हैं, तो अभी देखेंगे इंशाल्लाह जो आगे आगे भी आपको विज़िट कराएंगे। तो जो है ना अभी सुल्तान भी मेरे साथ हैं, तो इंशाल्लाह चलते हैं आगे। इसको मैंने ज़मीन पे बैठाया, बोला तुम बैठो मैं एक दो वीडियो के शॉट ले लूँ, फिर वापसी आगे चलते हैं। गांव की मौसम की सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि सुबह के टाइम पे सवेरे तो तकरीबन जब मैं 7 बजे उठा तो उस वक्त तो इतनी ज़्यादा बारिश तेज शुरू हो गई, आंधी और तूफान वगैरह आ गया, उसकी वजह से फिर मैं बाहर नहीं निकला। तो वापसी में जाके मैं रूम में चला गया था, तो फिर वापसी जो है ना अभी अभी जो मौसम की माशाल्लाह सूरत हाल ठीक है, काफ़ी बेहतर है, इस वजह से अभी मैं बाहर आया हूँ अपनी ज़मीनों की तरफ। मैंने बोला चलो एक तो बारिश हुई है, दूसरा विज़िट भी करके आते हैं और साथ में घूम फिर के वापसी आ जाएंगे। तो अभी अभी मेरे आपको बाल भी गीले गीले लग रहे होंगे, क्योंकि मैं अभी जो है ना सारा नाश्ता करके अभी आया हूँ। तो अभी दिन अभी मेरे ख्याल में दिन जो है ना वो हो गए हैं 4:07, शाम के 4:07। तो खैर जो है ना अगर मौसम ऐसा हो तो यहाँ पे दिल नहीं करता है कि बंदा बाहर आए घर से, और जाना घर से इतने दूर तक हम लोग सफ़र करके पैदल आए। तो खैर चलो जो है ना दोस्तों तक आज आज की वीडियो की अपडेट दी, मैं दोस्तों से गुजारिश है जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, और इंशाल्लाह जो है ना आपको अपने बारे में आगाही देते रहेंगे। और साथ में एक और बात बताता चलूँ कि इंशाल्लाह जो है ना कोशिश ये है कि जल्द से जल्द बाहर का विज़िट करें, इंशाल्लाह जो है ना ट्रैवल करेंगे, बिल्कुल नया एडवेंचर होगा। और जहन में ये है कि यहाँ से कराची का लिए सफ़र जब मैं शुरू करेंगे तो दोस्तों को सारे की सारा एडवेंचर बाई मतलब कि आपको व्लॉग की सूरत में दिखाएंगे। और इस दफ़ा मेरे साथ जो है ना मेरे दोस्त भी होंगे, उनके बारे में मैं आपको जब व्लॉग शुरू करूँगा तो फिर मैं जब एडवेंचर शुरू होगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि आज यह सरप्राइज़ जो देंगे आपको कि कौन कौन से दोस्त होंगे, दोस्तों के साथ एडवेंचर करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको सारा का सारा जो है ना जर्नी आप तक व्लॉग की सूरत में पहुँचाएँगे। तो दोस्तों से गुजारिश है यार आप लोगों के लिए टाइम देते हैं, आप लोगों के लिए अपने बारे में और मौसम के हवाला भी देते रहते हैं आपको। तो चलो जो भी है अच्छी है बुरी है आप तक वीडियोस पहुंचाते हैं कश्मीर के बारे में, कश्मीर की ब्यूटी के बारे में, और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे मौसम की सूरत हाल आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो मैं दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। इसी पर व्लॉग का इख्तिताम करते हैं, फी अमान अल्लाह।